Morning students, we have done chapter 14 in the last class. Now we will start chapter 15. Measure of time. यहाँ पे हमें आपको टाइम को मेजर करना है. क्लॉक में टू हैंड्स होती हैं. स्मॉल हैंड होती है हार्स हैंड एंड बिग हैंड होती है मिनट्स के लिए. स्मॉल हैंड हार्स के लिए यूज़ की होती है और बिग हैंड मिनट्स के लिए यूज़ होती है. पार्ट गेट अप एट स्मॉल हैंड 6 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे, तो 6 o'clock. पार्ट टेक अप बाट एट लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड दोनों 6 पे, तो 6:30 बोलते हैं और 6:30. पार्ट गोज़ टू स्कूल एट 7:30. शॉर्ट हैंड 7 पे, लॉन्ग हैंड 6 पे है ना, तो 7:30. इस क्लॉक में अपन का 5 के टेबल से अकॉर्डिंग अपन चलते हैं. 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, 5 × 30, 5 × 35, 5 × 40, 5 × 45, 5 × 50, 5 × 55, 5 × 60. इसके अकॉर्डिंग अपन को क्लॉक मिनट्स में पता चल जाती है क्या टाइम हुआ है. ओके, 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं. 7:30 यानी लॉन्ग हैंड 6 पे होती है, उसको 7:30 बोलते हैं. 7:15 जब लॉन्ग हैंड 3 पे होती है. 7:45 जब लॉन्ग हैंड 9 पे होगी. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 15 ए, फिल इन द ब्लैंक्स. 1 day इक्वल्स टू 24 hours. 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 hour में 60 मिनट होते हैं. 1 minute इक्वल्स टू 60 सेकेंड. 1 week इक्वल्स टू 7 days, 1 week में 7 days होते हैं, मंडे ट्यूजडे 7 होते हैं ना. 1 year इक्वल्स टू 12 months, जनवरी फरवरी हो रहे होते हैं, 12 months होते हैं ना 1 year में. 1 year इक्वल्स टू 365 days, 1 year में 365 days होते हैं. 1 leap year 366, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी में एक ज़्यादा हो जाता है डे, तो इसलिए 366 डे होते हैं लीप ईयर में. देयर आर टू हैंड्स इन अ क्लॉक, टू हैंड्स होती हैं क्लॉक में. स्मॉल हैंड फॉर हैंड हार्स, स्मॉल हैंड हार्स के लिए यूज़ होती है एंड बिग हैंड फॉर मिनट्स, बिग हैंड मिनट्स के लिए यूज़ होती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द टाइम एज शो इन द क्लॉक. टाइम बताना है हमारे को, शॉर्ट हैंड 7 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे, तो 7 o'clock. शॉर्ट हैंड 2 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे, तो क्या हो जाएगा 2 o'clock. 2 o ऐसे लगा के क्लॉक लिख देंगे. शॉर्ट हैंड 4 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे, तो 4 o'clock. अब यहाँ देखेंगे शॉर्ट हैंड 3 और 4 के बीच में यानी 3 पे मानेंगे एंड लॉन्ग हैंड 6 पे, 3:30 लिख देंगे. शॉर्ट हैंड 7 पे, लॉन्ग हैंड 6 पे, 7:30. 6 पे ना लॉन्ग हैंड, इसलिए 7:30 होगा. शॉर्ट हैंड 1 और 2 के बीच में यानी 1 और लॉन्ग हैंड 6, तो 1:30. 1 से थोड़ा आगे तो 1 ही माना जाता है. ओके, यहाँ देखेंगे 4 और 5 के बीच में तो 4 ही मानेंगे और लॉन्ग हैंड 6 पे, तो 4:30. यहाँ पे स्मॉल हैंड 8 पे और लॉन्ग हैंड 12 पे, तो 8 o'clock. ठीक है ना, जब लॉन्ग हैंड 6 पे होते तो 7:30 बोलते हैं. नाउ टर्न द पेज, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द टाइम एज शो इन द क्लॉक. टाइम लिखना है हमारे को, दोनों हैंड 6 पे, शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो 6:30. शॉर्ट हैंड 4 पे, लॉन्ग हैंड 6 पे, तो 4:30. 6 पे होती है उसको 30 बोलते हैं, है ना. 5, 6 या 30 होता है, इसे 6 पे हो तो 30. 8 तो 8 o'clock और 12 पे होगी तो ओ क्लॉक, तो 8 o'clock लिख सकते हैं अपन. 8 o'clock, 12 पे ओ क्लॉक माना जाता है. जैसे यहाँ 4 o'clock, यहाँ क्या हो जाएगी 5:30. ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं और इसका ऐसा एक और लिख सकते हैं यहाँ पे 8, पूरा टाइम 12 पे तो 8:00. ठीक है ना, अब 3 पे है तो 3:00, यहाँ 8:30. ऐसे करके 6 पे होता है तो 30 माना जाता है और 12 पे होता है तो .00 लिखते हैं. ओके, सेकेंड है ड्रॉ द टू हैंड्स टू शो द गिवन टाइम. टाइम दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को हैंड्स बनानी है. 5 तो स्मॉल हैंड बनाएंगे पहले, आगे वाला हैंड स्मॉल हैंड होती है और पीछे वाली मिनट हैंड होती है, तो 5 से थोड़ा सा आगे और लॉन्ग हैंड 6 पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5:30.
वन ओ क्लॉक स्मॉल हैंड वन पे और ओ क्लॉक है तो लॉन्ग हैंड 12 पे, 9:30 स्मॉल हैंड 9 पे, 9 से थोड़ा सा आगे और लॉन्ग हैंड 30 है तो यानी 6 पे, 10 ओ क्लॉक तो स्मॉल हैंड 10 पे, ओ 00 है तो लॉन्ग हैंड 12 पे, 11:30 तो स्मॉल हैंड 11 के थोड़ा सा आगे 30 है तो लॉन्ग हैंड 6 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मार्क क्रॉस ऑन द क्लॉक वेयर द टाइम शो ऑन द क्लॉक इज रॉन्ग, जो रॉन्ग टाइम दे रखा है उस पर क्रॉस करना है हमारे को। अब यहाँ देखेंगे स्मॉल हैंड 2 पे, लॉन्ग हैंड 3 पे, तो 5 1 5 5 2 10 5 15 होना चाहिए, 215 है, लेकिन यहाँ पर 2 ही बता रहे हैं तो दिस इज अ रॉन्ग। ये हो गया स्मॉल हैंड 9 पे, लॉन्ग हैंड 6 पे, तो 9:30 राइट। यहाँ पे स्मॉल हैंड 10 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे और 10 ओ क्लॉक सही है, स्मॉल हैंड 6 पे और लॉन्ग हैंड भी 6 पे, 6:30 इट्स राइट। स्मॉल हैंड 4 पे एंड लॉन्ग हैंड 6 पे, 4:30 ये भी सही है। ये स्मॉल हैंड 5 पे और लॉन्ग हैंड 12 पे, तो 5 ओ क्लॉक होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 4 ओ क्लॉक है, इट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे स्मॉल हैंड 8 पे और लॉन्ग हैंड 6 पे, यानी 8:30 इट इज़ राइट। और इसमें स्मॉल हैंड 12 पे और लॉन्ग हैंड 6 पे, ये भी सही है। तो रॉन्ग कौन कौन सा हो गया, ए एंड एफ। ओके,